अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो को दो स्टेजेस पर तकसीम किया गया है। फर्स्ट स्टेज बिल्कुल आसान होगी और सेकंड स्टेज बहुत ही मुश्किल होगी और हर स्टेज के 5 राउंड होंगे और बिल्कुल आसान से सब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही मुश्किल होते जाएंगे। तो देखते हैं आप कितने स्टेजेस के कितने राउंड पास कर पाते हैं। तो फिर रेडी। नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? गौर से देखें। इस तस्वीर में लिखा हुआ है 111। ये तो काफी आसान था। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज्यादा नहीं। नंबर 2, क्या अब आप बता सकते हैं इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? गौर से देखें। तो क्या लगता है आपको इस तस्वीर में क्या लिखा है? इस तस्वीर में लिखा है 222। अब बातें हैं नेक्स्ट पर, जो कि है नंबर 3, क्या अब आप बता सकते हैं इस तस्वीर में क्या लिखा है? वैसे अभी ये आपको इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, पर अगली स्टेज पे पता चलेगा कि आप कितना तेज हैं। तो इसमें लिखा है 666 और 6, तो इसमें लिखा है 666। नंबर 4, अब इसको गौर से देखें और बताएं इसमें क्या लिखा है। क्या नजर आया आपको? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर जरा गौर से देखें तो इसमें लिखा है 888 यानी 888। तो अब आते हैं इजी स्टेज के लास्ट राउंड पे, नंबर 5। अब ये आखिरी है, इसको गौर से देखें और बताएं कि इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है। आपका टाइम शुरू होता है अब से। क्या दिखा आपको? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसमें लिखा है 555 यानी 555। तो अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पर, जो कि फर्स्ट स्टेज से बहुत ही मुश्किल है। तो फिर रेडी, स्टेज नंबर 2, राउंड नंबर 1। अब इस तस्वीर को और से देखें और बताएं कि इस तस्वीर में क्या लिखा है। ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको नजर आ गया है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि इस तस्वीर में क्या लिखा है, और अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो जरा गौर से देखें। ये है 143। राउंड नंबर 2, अब इस तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि इसमें क्या लिखा है। अगर आपको समझ आ गया है तो ग्रेट, अगर आपको समझ नहीं आया तो इसमें लिखा है 165। राउंड नंबर 3, अब इसको गौर से देखें। ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, पर देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। तो जरा गौर से देखें और बताएं कि इस तस्वीर में क्या लिखा है। क्या जवाब है आपका? नीचे कमेंट करके बताएं कि इस तस्वीर में क्या लिखा है। अगर आपको नजर नहीं आया तो इसमें लिखा है द फन शो। अब आते हैं नेक्स्ट पर,
नंबर 4, इस तस्वीर को गौर से देखें और बताएं इसमें क्या लिखा है। जरा गौर से देखें। क्या लगता है आपको इसमें क्या लिखा है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसमें लिखा है 5, 6 और 3। तो अब आते हैं नंबर 5 पर। बाकी सब आपने पास कर लिया है, तो अब देखते हैं आप ये लास्ट वन पास कर पाते हैं या नहीं। तो फिर रेडी, इसको गौर से देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस तस्वीर में क्या लिखा है। क्या जवाब है आपका? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर गौर से देखें तो इसमें लिखा है सब्सक्राइब। हमारे चैनल में जाके आपको यहाँ पर एक ज्वाइन का बटन मिलेगा और उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आप हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे और इससे आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपके नाम के साथ हमारी तरफ से एक बैज लगा दिया जाएगा और उस स्पेशल बैज की वजह से सबको पता चलेगा कि आप इस चैनल के मेंबर हैं और साथ में आपको कुछ खास चीजें मिलेंगी, जैसे कि वॉलपेपर्स और हमारी कुछ ऐसी पोस्ट जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होती हैं, और मेंबर बनने के बाद आप वो सब देख सकेंगे। अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन नजर नहीं आ रहा तो आपको VPN लगाना होगा और VPN लगा के वापस हमारे चैनल पे आए और आपको ज्वाइन का बटन दिख जाएगा और यहाँ पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं। तो बस चैनल के मेंबर बनने के लिए इस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है उसे दबा के ब्लैक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इन में से कौन सा सवाल आपको ज्यादा मुश्किल लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।